और पब्लिक तक पहुंचाते हैं। हमारा जो मकसद है पीडीडी डेली वेजर पीडीएल टीडीएल जम्मू प्रामिस एंड श्रीनगर जे एंड के, हमारा हम एमडी साहब से मिले, एक उन्होंने नोटिस निकाला था कि हम जो नए लोग लगा रहे हैं, तो हम जब एमडी साहब से मिले तो एमडी साहब ने हमें प्रॉमिस किया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। एमडी साहब ने उस टाइम ही ये प्रेस नोट उसमें मीडिया में दिया कि हमने कोई बंदे नहीं लगाए। उसके बाद दूसरे दिन ही उसी टाइम टेंडर हो जाता है कि हर एक गांधीनगर डिवीज़न से ईडी सेकंड से टेंडर होता है कि हम एलटी और एचई का काम ये लोग करेंगे। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम सारे 24 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जो प्रॉमिस एलजी साहब ने 2021 में किया था कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, आज तक वो लोग कोई भी परमानेंट नहीं हुआ। और एक एसआरओ 109 के तहत जो हमारे साथ एक समझौता हुआ था 2021 में, उस 2021 में उसमें ये लिखा था कि जब तक ये डेली वेजर परमानेंट नहीं होंगे कॉरपोरेशन कोई भी बंदा नहीं लगाएगी, जब तक एक भी डेली वेजर रह जाएगा तब तक ये कोई नहीं लगा सकते। लेकिन आज ऐसी आन पड़ी है कि ये टेंडर भी हो गया है और ये आप देख रहे हो, और ये हमारे एमडी साहब ने ट्यूट किया है कि हमें पता ही नहीं है कि ये टेंडर का क्या है, लेकिन ये टेंडर डेली एक्सेसर में आ रहा है, ये टेंडर भी हुआ है। अब हमें 24 तारीख से हम अपने तमाम साथी जम्मू एंड कश्मीर जे एंड के में जहाँ भी हमारे डेली वेजर भाई पीडीएल टीडीएल सीनियर साथी, हमारे विनोद पादा जी हमारे साथ हैं, डेली वेजर जो सीनियर है वो भी हमारे साथ हैं, हम सब साथियों से ये कहते हैं कि अब करो जहाँ मरो की लड़ाई है, अगर कहीं भी पावर बंद होगी हमारे लोग ठीक नहीं करेंगे और हम पावर खुद बंद नहीं करेंगे, लेकिन पावर जहाँ जहाँ बंद हो जाएगी वहाँ वहाँ हमारे साथी काम नहीं करेंगे। 24 तारीख से हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे डिपार्टमेंट की होगी और एलजी साहब की होगी, क्योंकि हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी कि 12,000 लोग हमने रेगुलर कर दिए हैं, लेकिन आज तक कोई 12,000 लोग रेगुलर नहीं किए, बल्कि हमारी फैमिलियों के साथ हमारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। हमारे एक साइड से हमारे एमडी साहब ट्यूट करते हैं, दूसरी साइड से टेंडर लगते हैं, और हमारे जो भाई हैं ये कहाँ जाएंगे? जो नए लोग लग रहे हैं वो 16,000 लेंगे स्किल्ड में, जो पुराने लोग जिनकी बाजू कट गई टांगे कट गई पोल पे मर गए उनको वो ही मात्र 9300 रुपया मिलता है, जब वो मर जाते हैं वो ही बंद कर देते हैं। आज हमें मजबूरन अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, अमरनाथ यात्रा को भी देखते हुए हमें ये स्टेप लेना पड़ा, हम मजबूर हो गए हैं क्योंकि अब हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और 24 तारीख से हम सारे लोग हमारे जितने भी जम्मू प्रामिस में चाहे कश्मीर प्रामिस में हमारे साथी हैं टीडीएल पीडीएल एंड अदर वर्कर्स सारे स्ट्राइक पे जाएंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट की होगी। जय हिंद जय भारत।